हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इश्यूज फैमिली। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी डे स्किन केयर रूटीन और आई एम रेडी विद मी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेकअप को रिमूव करने के लिए मैं यूज़ करूँगी बायोडर्मा का माइसल वाटर। सो ये माइसल वाटर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड ये बहुत ही अच्छे से मेकअप को रिमूव कर देता है। थोड़ा देर वेट करना है। अब हम एक क्लीन कॉटन पैड लेके इसमें माइसल वाटर डालेंगे, उससे अपना फेस क्लीन करेंगे। सो मैं अब फेस वॉश कर लूँगी, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो मैंने फेस वॉश कर लिया है एंड चेंज भी कर लिया एंड सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी फ्रूट एच रिवेंटिलाइज़र। सो मैं अपना डे स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ। सो ये जो क्रीम है ये पिंपल्स एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा क्रीम है और मैं इसे यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स मिले। तो मैं डे टाइम में इसे यूज़ करती हूँ एंड नाइट टाइम में सीरम यूज़ करती हूँ। अब मैं अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइज़र। सो ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए। तो हमें बस जेंटली फेस पर से डैब डैब कर देना है। सो इसे हमें एक से दो मिनट के लिए छोड़ देना है एब्जॉर्ब होने के लिए, उसके बाद हम सनस्क्रीन यूज़ करेंगे। सो एक से दो मिनट हो चुका है, अब मैं यूज़ करूँगी सनस्क्रीन। तो मैं रिक्वल का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। डे टाइम में सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको सन से प्रोटेक्ट करता है एंड मैं रिक्वल का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए एकदम बेस्ट है। तो हमें इसको रब नहीं करना है, इसे जेंटली हमें फेस पर डैप करना है। सनस्क्रीन जो है वो पहले थोड़ा वाइट कास्ट दे सकता है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। अब लिप्स के लिए मैं यूज़ करूँगी बायोटिक का लिप बाम। सो मेरा डे स्किन केयर रूटीन यही कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।